वेलकम बैक टू योर चैनल स्कॉलर जोन। सो आज सुबह हमने बात की थी कि हम कैसे प्लानिंग करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ या सिलेक्शन ले पाएँ। एंड लाइक आप भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर दिन का करंट अफेयर याद रखना इतना मुश्किल हो जाता है और उसे एक चीज़ में सिमटाना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। सो अभी तो हम 25 जुलाई से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम रिकवर कर लेंगे। यू नो, एक मंथ में इतना सारा सिलेबस करना इज़ लाइक बिट डिफ़िकल्ट एज आई टोल्ड यू, बट हम हार नहीं मानेंगे। हम जैसे कर पाएंगे हम अपना करेंगे। बस एक चीज़ है कि हो सकता है कि एक हफ्ता थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, बट बिलीव मी, आपके पेपर से पहले आपका पेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, अनदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, समटाइम आई मेक्स क्विजेस, तो क्विजेस मिल जाएंगे, और कई बार मैं डिस्कशन पे खोलती हूँ तो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे, वेरियस ऑप्शंस आ रहे हैं। सो टेलीग्राम ज्वाइन करना इज़ लाइक वेरी मैंडेटरी। सो आज का हम स्टार्ट करते हैं। सी, अपन 25 जुलाई से कर रहे हैं, हम धीरे धीरे करके जो लैग हुए डेज उन्हें रिकवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अभी आप सबको पता ही है कि द्रौपदी मुर्मू जो मुर्मू है वो हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है, एंड शी इज़ द 15th प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ के सुना दूँ और तुम्हें समझ में आ जाए, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि इसके अंदर क्या है और तुम्हें क्या पढ़ना है, बस उतने से तुम्हारा काम हो जाए। क्योंकि तुम ये बात याद रख लो कि तुम्हें एंड तक ये सारा डाटा नहीं याद रहेगा, तुम्हें जो मेन चीज़ याद रखनी है वही मैं तुम्हें बताऊँगी। एक दो ऑप्शन थे, इंग्लिश रीड करके मैं ऐसे चली जाती हूँ, दूसरा ऑप्शन में तुम्हें समझा देती हूँ तुम्हें क्या पढ़ना है। अब तुम लोग अपना कमेंट में कर देना, आज जो मुझे सेकंड ऑप्शन बेटर लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। और अपन ना बहुत टाइम मिनिमाइज़ करेंगे कि वेस्ट करें फालतू की बातों में, एंड जस्ट कंसर्न, बिकॉज यू नो टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड। इफ़ यू रिस्पेक्ट इट यू गेट द बेस्ट थिंग आउट ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो, और अब अपन फालतू की बातें नहीं करेंगे एंड वी जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी वांट टू डू। सो द्रौपदी मुर्मू के बारे में, मुर्मू के को पता ही है, शी इज़ द 15th प्रेसिडेंट। एंड ये पता है इतना ज़्यादा टॉपिक्स में क्यों है, बिकॉज ये ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, ये ट्राइबल कम्युनिटी से आ रही है इसके वजह से, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी से हमारे लिए प्रेसिडेंट बनाओ। एंड इनके बारे में खास पॉइंट बात क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2000 वोट से जीती है, बट किससे जीती है ये इंपॉर्टेंट अपन के लिए, ये जीती है मिस्टर सिन्हा से, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है वो ये 64.03 टोटल वोट्स जो कि इनके लिए फेवर में हुए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपन को पढ़ने के लिए पॉज करके आराम से आपको रीड करना और रीड कर लेना, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू है, लाइक थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज़ द गवर्नर ऑफ झारखंड, ठीक है, ये सांथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ट्राइब से द्रौपदी मुर्मू आती है, संथल ट्राइब, और ये कौन सा, ये कहाँ बॉर्न हुई थी, ये हुई थी मयूरभंज, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी येलो येलो किया है ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार पढ़ लेना है ना। और ये मिनिस्टर कब तक रहेंगी, 2000 से 2004 तक। अब इन्होंने क्या किया था, एक और इंपॉर्टेंट काम जो इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया, जब ये झारखंड की गवर्नमेंट थी, मतलब गवर्नर थी, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ना बीजेपी गवर्नमेंट ने एक ना अमेंडमेंट लगाया हुआ था कि छोटा नागपुर टेंडेंसी, तो वो किसके द्वारा लगाया गया था, रघुबर दास के, तो उन्होंने क्या किया था कि वो रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था वो अमेंडमेंट, जिसका नाम था छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। समझ में आया अपन का, ये इंपॉर्टेंट था। अब अपन इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ में। अब अपना जो सेकंड है, 25 जुलाई का सेकंड टॉपिक है, वो है इंडियन अंटार्कटिक बिल, जो कि एक और अंदर तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत कुछ खास नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि ये लोकसभा ने दिया था इंडियन अंटार्कटिक बिल। इसमें ना अलग अलग प्रोटोकॉल्स थे, अलग अलग इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन एक्ट थे कि उन सबको फॉलो करना है, एयरक्राफ्ट को कि किसका कितना कंजप्शन से क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ कुछ था। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 2020 में बिल आया, किसने किया, लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया, कब किया, 1 अप्रैल 2022 को किया, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल कमेटी ने क्या किया, सेंट्रल कमेटी जो थी कमेटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नमेंट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, द कमेटी विल चेयर्ड बाय सेक्रेटरी, किसके द्वारा हुई, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, इट्स अ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सो वी कैन मूव फर्दर। हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, भाई अगर तुम बीजेपी सरकार में पेपर दे रहे हो तो तुम्हारा ये क्वेश्चन आना पक्का है। सुनो कैसे, मैंने रिसेंटली एक क्विज अटैम्प्ट किया था जिसमें मुझे हर गर्ल जिस मुझे जो क्वेश्चन मिला था वो था जल जीवन मिशन से, और एक था हर घर जल डिस्ट्रिक्ट से, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। सी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ना उसमें एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भरनपुर, और आपको पता है क्या बात है, इसमें इसमें हर घर में जल पहुंच रहा है, मतलब पानी पहुंच रहा है, और यही इसकी मेन पॉइंट है। भाई इस पॉइंट को ना अपनी डायरी में नोट कर लो कि भरनपुर जो कि मध्य प्रदेश में है वो फर्स्ट सर्टिफाइड है जिसके अंदर हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो क्या हुआ, इस घर में मतलब इस विलेज में ना लगभग 254 पीपल्स हैं जिन्हें सेव वाटर मिल रहा था अभी तक, ठीक है, 36.54% को अभी तक मिल रहा था, जो कि 1 लाख थाउजेंड में से अभी तक मिल रहा था, ठीक है, किसके तहत, जल जीवन मिशन के तहत, जो कि 15 अगस्त 2019 को हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि अपना देखो कोविड डिस्प्यूट, कोविड पैंडमिक आया और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन उनकी जो पंचायत थी, पानी समिति थी, इन सब ने मिल के काम किया, और क्या हुआ कि अब ना 101,905 रूरल हाउसहोल्ड के पास में 34 मंथ से कनेक्शन आ रहा है पानी का। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आप लोग ये ना प्लीज़ इसके लिए नोट्स के लिए मत कहना, अगर कहना तो प्लीज़ बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं सोचूंगी, बिकॉज आपको पता है ये पूरा नोट्स बनाने में ही जान निकल जा रही है, एंड आप के लिए पूरे से निकाल के रखना इज़ लाइक थोड़ा सा और ट्रिक हो जाएगा, यू नो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो मस्त देखो और याद करो, याद तो करना ही है ऑब्वियस। स्पेशल मेंशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये राज्यसभा ने किया था जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, येलो से मार्क किया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना, राज्यसभा ने किया था। इसके बाद में क्या होता कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैटर किसने करवाया था, ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा रूलर 18B ने करवाया था, द मिनिस्टर ऑक्यूपाइड सब्जेक्ट। अब उन्होंने मैटर क्या लिया था कि 30 डेज ऑफ फ्लैक्चुअल पोजिशन ऑफ द प्रोपोजल टेकन, स्पेशल मैंशन था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे मेंबर्स को चूज़ कर रहे हो, और मेंबर्स के जो इश्यूज आ रहे हैं ये सब उन चीज़ के ऊपर, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीरियसली इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना इसे इम्पोर्टेंट मतलब ध्यान से मत लेना। मेंबर्स टिल जुलाई, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ बिकॉज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है अपना वो है रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो जानते हो कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाए, अगर तुम्हारा नॉर्मल का है तो भाई सालों लग जाते हैं, बहुत दिक्कत है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि 18th लॉ ऑफ कमीशन आया है, 2019 रिपोर्ट, जिसमें ऐसा बोला गया कि भाई इसकी ना और बेंच, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है इसके सिवा और भी बेंचेस खोलो, लाइक चार जगह पे बोली, वो चार जगह कौन सी है, नॉर्थ रीजन ऑफ दिल्ली, साउथ रीजन ऑफ चेन्नई और हैदराबाद यू कैन सी, ईस्टर्न रीजन ऑफ कोलकाता एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ मुंबई, यहाँ पे बोला है। अब जो चीफ जस्टिस थे 2010 में उन्होंने क्या बोला, अब सुनो, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग जगह पे बेंचेस खोलते तो वो उन्हें स्वीकार नहीं था, अब क्यों नहीं था, वो उनका पर्सनल मैटर है, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन दैट। अब क्या है, मैटर सब जुडिस, अभी ठीक है, आर्टिकल 130 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या बोल रहा है, कोर्ट शेल इन अदर प्लेसेस एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। अब क्या है कि आपको ना जो चीफ प्रेजिडेंट है उस टाइम पर उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि 130 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि आप करवा सकते हैं कि नहीं, फिर वो प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कि वो साइन करेगा नहीं, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अब यहाँ पे ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेसेस, ये ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेसेस किसने पॉलिसी लाई, किसने चाहा कि ऐसा हो कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो पूरा ई मार्केट प्लेस बन जाए, तो वो थे हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल। अब उन्होंने किसे इम्फेसिस किया, उन्होंने ना प्राइम मिनिस्टर को जाके बोला कि भाई देखो अभी 75 प्रोक्योरमेंट क्या होता है, भाई ये देख लो ये इंपॉर्टेंट है, अपन इंग्लिश कहाँ से पढ़ेंगे, अपन इंग्लिश यहीं से तो पढ़ेंगे, प्रोक्योरमेंट का होता है
इसका मतलब होता है वसूली, समझ में आया? तो उन्होंने बोला कि वसूली करनी है, तो उन्होंने बोला इसे हम 100% तक ले आए हैं, उन्होंने ऐसा चाहा, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या, ये समझो, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे ना ऐसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ये इनिशिएटेड कब हुआ था, August 9, 2016, किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके अंदर आप क्या चाह, मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर 3 पिलर्स हैं। देखो, हर चीज़ की नींव होती है, करेक्ट? आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी नींव क्या होगी, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी एंड आपकी बेटर प्लानिंग, ये है आपके सिलेक्शन की नींव। ऐसे ही इसकी नींव है, या इसके जो 3 पिलर हैं वो हैं इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। अब क्या है, गैम जो है उसके अंदर अबाउट 61,440 बायर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, 47.9 लाख सेलर्स एंड प्रोवाइडर्स हैं, 41,440,000 प्रोडक्ट्स हैं ऑफरिंग एंड 1.9 लाख सर्विंग ऑफरिंग है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब तुमने इतना कुछ पढ़ा, मुझे पता है कि अभी नहीं इतने टाइम तक याद रहती है सब चीज़ें, तो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो हमारी प्रेसिडेंट है। इनके सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रहते हैं। अब चलो आंखें बंद करो, मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करी थी। वेरी गुड, संथल ट्राइब। और ये बताओ कि इनके जो कॉम्पिटिटर थे वो कौन थे, मिस्टर सिन्हा। वेरी गुड। और ये कितने प्रसिद्ध मतलब परसेंट वोटेज से जीती थी, 64.03% से जीती थी। ये किसके गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ झारखंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मयूरभंज। और ये मिनिस्टर कब से कब तक रही थी, 2000 से 2004 तक। और ये अभी तक की गवर्नर थी झारखंड की। और इन्होंने क्या बंद करवाया था, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट जो था वो बंद करवाया था, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है। इंडियन आर्टिक बिल किसने चलाया है, लोकसभा, April 1, 2022 को आया था। और ये किसके अंदर था, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के अंदर था। हर घर जल मिशन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहला बना है जिसे सर्टिफाइड बताया गया है, हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री बोला गया है, वो है बोरनपुर इन मध्य प्रदेश। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद कर लो। जल जीवन मिशन कब हुआ था, 15 अगस्त 2019। और ये तो पता ही है कि अपन को किसी उसको पानी मिल गया है। और स्पेशल मेंशन किसे किया गया, राज्यसभा को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये किसने दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंबर टिल 1 जुलाई। रीजनल बेंचेस किसने बोली थी, सुप्रीम कोर्ट को करने के लिए बोली थी। और वो चार कौन से थे, नॉर्थ रीजन एट दिल्ली, साउथर्न रीजन एट चेन्नई, ईस्टर्न रीजन ऑफ कोलकाता, वेस्टर्न रीजन ऑफ एट मुंबई, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। और ई गवर्नमेंट के बारे में बता दिया। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होता है वसूली। इसके साथ हम अपनी वीडियो बंद करते हैं। एंड मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेना एक दो दिन बाद, एंड बस एवरीथिंग इज़ ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, पता चलता रहेगा कि आगे कैसे क्या क्लासेज आने वाले हैं। सो हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।